हेलो दोस्तों, सरफराज टेकवेयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सरफराज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन से ही अपने ईमेल एड्रेस पे ऑटो रिप्लाई ईमेल को कैसे एनेबल कर सकते हैं। ऑटो रिप्लाई ईमेल क्या होता है और उसको कैसे इनेबल किया जाता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक का जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऑटो रिप्लाई ईमेल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी में कहीं पर बाहर जा रहे हो, जहां पर आप किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहते हो। आप अपना कोई ईमेल चेक नहीं करना चाहते हो, किसी भी तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज नहीं करना चाहते हो। इस दौरान अगर आपके किसी फ्रेंड ने, किसी कलीग ने, आपके ऑफिस के किसी स्टाफ ने अगर आपको कोई ईमेल किया है, तो उस ईमेल के जवाब में ऑटोमेटिकली एक रिप्लाई उसके पास चला जाएगा कि इस वक्त आप छुट्टी में हैं और जैसे ही आप छुट्टी से लौटेंगे, जो भी ईमेल होगा उसका रिप्लाई वो आप जरूर कर देंगे। तो ये एक कस्टम ईमेल होगा जो आप अपने ऑटो रिप्लाई ईमेल में मैसेज में टाइप करके रख सकते हैं। जब कभी भी किसी का कोई ईमेल आएगा, वो ऑटोमेटिकली वो मैसेज उनको चला जाएगा और सामने वाले को ये श्योरिटी मिल जाएगा कि हाँ, बहुत जल्दी आपका वो उनका जो ईमेल है वो आप पढ़ लेंगे, आप रिसीव कर लेंगे और उसका जवाब भी उनको मिल जाएगा। तो पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन से ही इस ऑटो रिप्लाई को अपने ईमेल एड्रेस पे एनेबल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अपने ईमेल एड्रेस पे ऑटो रिप्लाई ईमेल को एनेबल करने के लिए आपको डेस्कटॉप वर्जन का यूज करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन में। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम में चले जाइए। यहाँ पर आपको जो ऊपर में तीन डॉट का जो आइकॉन दिख रहा है, इसमें आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का। इसके बाजू में जो चेक करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको चेक कर देना है। चेक करने के बाद अब आप यहाँ पर जो कुछ भी वेबसाइट खोलेंगे वो डेस्कटॉप वर्जन में खुलेगा। तो मैं यहाँ पर जीमेल खोल लेता हूँ, gmail.com। तो gmail.com जैसे ही आप टाइप करोगे, तो जिस किसी भी ईमेल एड्रेस से आप अपने एंड्रॉयड फोन को चला रहे होंगे, वो ईमेल एड्रेस आपके फोन में खुल जाएगा, वो भी डेस्कटॉप वर्जन में। अब आप देख सकते हो, बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर खुल चुका है। अब आपको यहां पर जाना है सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स के लिए एक गियर का आइकॉन बना हुआ है ऊपर, जो आपका प्रोफाइल पिक्चर बना हुआ है उसके बाजू में। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप देख सकते हो यहां पर एक गियर का आइकॉन आपको दिख रहा है, इसमें आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहां पर आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाता है, सी ऑल सेटिंग्स का, इसमें आपको टैप करना है। सी ऑल सेटिंग्स में टैप करने के बाद आपके पास सेटिंग का एक पेज खुल जाएगा। ये पेज बहुत लंबा है, तो इसमें मैं आपको जूम करके सिर्फ वो पॉइंट दिखा देता हूं जो कि आपके काम का होगा। तो यहां पर आप ऊपर में देख सकते हो, यहां पर जनरल का एक टैब है, ठीक है। जो सबसे पहला टैब होगा वो जनरल का होगा। इस जनरल के टैब में रहने देते हुए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। यहां पर नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वेकेशन रिस्पॉन्डर का। आप देख सकते हो यहां पर, मैं इसको जूम कर देता हूं, वेकेशन रेस्पॉन्डर यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। वेकेशन रेस्पॉन्डर का एक्चुअली मतलब यह है कि अगर आप कहीं वेकेशन में कहीं पर गए हुए हो, तो आपके बिहाफ में ऑटोमेटिकली एक ईमेल सामने वाले को रेस्पॉन्ड के रूप में चला जाएगा, ठीक है। इसको आपको यहां से एनेबल करना होगा। आप यहां देख सकते हो वेकेशन रेस्पॉन्डर अभी ऑफ है, यहां पर उसके बाद में ऑन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहां पर रेडियो बटन में आपको टैप कर लेना है, तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद यहां पर कब से चालू हो रहा है, देखिए फर्स्ट डे लिखा हुआ है अक्टूबर 23, 2021, ये आज का डेट है, ठीक है। तो यहां से आपने आज के डेट से आपने इसको एनेबल कर लिया है। आप अगर इसको थोड़ा सा राइट साइड स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां देख सकते हो लास्ट डेट। अगर आप किसी छुट्टी में 6 दिन, 7 दिन या महीने भर के लिए भी जा रहे हो, तो यहां पर आप उस डेट को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप लास्ट डेट में टैप करोगे, तो यहां पर आप देख सकते हो 30 अक्टूबर 2021 का डेट आ रहा है। इस डेट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। यहां पर आप टैप करोगे, टैप करते ही आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा, ठीक है। इस कैलेंडर में आप अपने हिसाब से डेट सेट कर सकते हो, नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए, जैसा भी आप चाहो। इनकेस अगर आप चाहते हो कि हमेशा के लिए ऑटो रिप्लाई एनेबल रहे आपके ईमेल एड्रेस पे, ताकि जिस किसी का भी ईमेल आए उसको एक कस्टम ईमेल तुरंत रिप्लाई के तौर पर चला जाए, ताकि सामने वाला ये श्योरिटी मिल जाए सामने वाले को, तो उनका जो ईमेल है, भेजा हुआ ईमेल, वो आप थोड़ी देर के बाद पढ़ लेंगे और उनको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो लास्ट डेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप अनचेक रहने देंगे, ठीक है। अगर ये अनचेक रहेगा, ठीक है, ये गायब हो गया, मैं इसको दिखाता हूं आपको, देखिए ये अनचेक, अगर ये अनचेक रहेगा तो ये इन्फिनिटी टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए यहाँ पर आपका जो भी ईमेल आपके एड्रेस ईमेल एड्रेस पे आएगा, वो ऑटोमेटिकली ये ऑटो रिप्लाई जो है उसको जाता रहेगा।
अब यहां पर ऑटो रिप्लाई में सामने वाले को क्या जाना चाहिए, तो यहां पर दिया हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो कि हेलो आई हैव रिसीव्ड, या फिर सिर्फ हेलो रहने देते हैं, या फिर जो कुछ भी आप सब्जेक्ट टाइप करना चाहो सब्जेक्ट टाइप कर सकते हो। उसके बाद यहां पर आप नीचे में देख सकते हो आपको टेक्स्ट टाइप करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहां पर आप अपना एक कस्टम मैसेज डाल सकते हो कि सामने वाले को क्या मैसेज मिलना है, ठीक है। यहां पर ये नीचे चला गया मैं, और यहां पर आप एक कस्टम ईमेल टाइप कर सकते हो कि सामने वाले को क्या रिस्पॉन्स मिलना है। तो मैं यहां टाइप कर देता हूं हेलो आई हैव रिसीव्ड योर ईमेल एंड आई विल रिप्लाई या रिस्पॉन्ड, जो कुछ भी आप लिखना चाहो, रिप्लाई यू सून, ठीक है। तो इससे सामने वाले को श्योरिटी मिल जाएगा कि उनका ईमेल आपने रिसीव कर लिया है और कुछ समय के बाद आप उनके ईमेल का रिप्लाई कर देंगे। इतना करने के बाद में यहां पर आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव चेंजेस का, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं। तो आप देख रहे हो यहां सेव चेंजेस का ऑप्शन है, इस सेव चेंजेस के ऑप्शन में आपको टैप कर देना है। टैप करते ही ये जो कुछ भी कस्टम ईमेल और ऑटो रिप्लाई आपने जो सेल क्रिएट किया है ये सेव हो जाएगा। तो मैं सेव में टैप कर देता हूं। सेव में टैप करते ही आपका जो क्रिएट किया हुआ ऑटो रिप्लाई मैसेज है वो सेव हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो ऊपर में आपको एक येलो पट्टी दिख रहा होगा येलो कलर का, ठीक है। इस येलो कलर के लेबल में लिखा हुआ है हेलो एंड नाउ वेकेशन सेटिंग्स। इसका मतलब अगर आप उस जो कुछ भी ऑटो रिप्लाई ईमेल कस्टम ईमेल आपने सेलेक्ट एनेबल करके रखा हुआ है उसको आप यहां से डिसेबल भी कर सकते हो। यहां पर एंड नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही आप एंड नाउ में टैप कर दोगे वो ऑटो रिप्लाई वाला जो भी कस्टम ईमेल होगा वो ऑटोमेटिकली वहां से बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी भी का भी ईमेल आएगा तो वो ऑटो रिप्लाई सामने वाले को नहीं जाएगा। दोस्तों आई होप ऑटो रिप्लाई ईमेल का ये वीडियो आज आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।